हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट चैट जीपीटी के बारे में देखने वाले हैं, मतलब कि बिल्कुल ही एक क्रैश कोर्स की तरह इस वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो में सारा चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि चैट जीपीटी किसने डेवलप किया, कब लॉन्च हुआ, इसको कहाँ से यूज करें, कैसे अकाउंट क्रिएट करें, किस तरीके से यूज करें, कैसे इससे हम बात करें, अलग अलग टॉपिक पर बात करना हम देखेंगे, अलग अलग टॉपिक पर इससे हम बात करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस तरीके से बात करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन और कैसे पूछ सकते हैं, करेंट आंसर कैसे गेट कर सकते हैं, अगर कोई आंसर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप उससे कैसे बोलेंगे कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो किस तरीके से दूसरा आंसर गेट कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको कुछ बनाना है तो कैसे बनाएं, इसके बारे में चैट जीपीटी से बात करना है तो कैसे करेंगे। अगर आप डेवलपर हैं, अगर कोई कोड फंस रहा है तो कैसे कोड के बारे में पूछेंगे, कोई वेबसाइट बनाना तो कैसे बनाएंगे, मतलब टेक्निकल बात भी करेंगे, एज ए हाउस वाइफ भी बात करेंगे, एज ए स्टूडेंट भी बात करेंगे, हर तरीके से बात करके देखेंगे कि कैसे रिस्पॉन्स करता है और कोई भी आंसर इससे हम कैसे ले सकते हैं और आगे इनका क्या प्लानिंग हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। मतलब कि कंप्लीट गाइड करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको, और बिल्कुल ये क्रैश कोर्स की तरह हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे चैट जीपीटी के बारे में कैसे यूज करते हैं। ये भी बताएंगे कि ये गूगल से किस तरीके से डिफरेंट है, गूगल क्या आंसर देता है और इससे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं गूगल से, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखिए, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब आपका हमारा मनोबल बढ़ाता है और आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखिए, चैट जीपीटी को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है OpenAI, मतलब OpenAI नेम की एक कंपनी ने इसको डेवलप किया है और लॉन्च किया है इसको नवंबर 2022 में। अगर चैट जीपीटी के बारे में अगर आप गूगल करते हैं तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है चैट जीपीटी के बारे में। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आता है https://openai.com, ठीक है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है चैट जीपीटी का। आप यहाँ पर अबाउट में जाकर देख सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया हुआ है कि 30 नवंबर 2022 को इसको डेवलप लॉन्च किया गया है और किसने डेवलप किया है, OpenAI नेम की कंपनी ने। यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर और भी बारे में इसके बारे में जान सकते हैं, ब्लॉग में जाकर, अबाउट में जाकर, रिसर्च के बारे में क्या क्या रिसर्च किया गया है, सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं। हालांकि हम चैट जीपीटी के बारे में बात करने वाले हैं, आगे मैं आप लोग को भी बताऊंगा कि यहां से इनके API को कैसे गेट करके आप अपने ऐप में इसको यूज कर सकते हैं, API को कैसे यूज किया था इसके बारे में भी आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पर आप बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। अगर आप चैट जीपीटी आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करिए। सबसे पहले आपको मैं बताते चलूँ कि गूगल पर सर्च करिए चैट जीपीटी या फिर openai.com पर जाइए और वहाँ पर आपको ट्राई चैट जीपीटी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका चैट जीपीटी का इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है या लॉगिन कर रखा है तो डायरेक्टली चैट जीपीटी के इन्वायरमेंट में आपको लेकर चला जाएगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपने अकाउंट भी नहीं क्रिएट किया है तो मैं आपको बताते चलूँ। यहाँ पर देखिए, मैं एक नया ब्राउज़र ओपन करता हूँ, प्राइवेट विंडो, ताकि मैं यहाँ पर कोई लॉगिन ना किया हुआ कुछ भी मिले। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल और यहाँ पर डालता हूँ चैट जीपीटी, तो यहाँ पर मुझे लॉगिन करने के लिए, साइनअप करने के लिए बोलेगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, इसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया और यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बोलेगा कि आप लॉगिन करो या साइनअप करो। देखिए, अभी वेरीफाई कर रहा है, यस आई एम ह्यूमन। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोल रहा है, दिख रहा है ओपन वेलकम टू चैट जीपीटी, लॉगिन विथ योर OpenAI अकाउंट टू कंटिन्यू। यहाँ पर अगर आपने अकाउंट पहले से क्रिएट कर रखा है तो लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल आप नए हैं तो आप यहाँ पर साइनअप करेंगे। और साइनअप करने के बाद देखिए यहाँ पूछेगा कि आपने ईमेल एड्रेस डालिए, या फिर अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो इस पर क्लिक करके लॉगिन कर जाइए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो यहाँ से लॉगिन कर जाइए, या फिर आप बिल्कुल ही नए हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालिए और लॉगिन कर जाइए, ठीक है। ईमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद आपका नेम और पूछेगा, उसके बाद आपका
नंबर पूछेगा जिस पर आपका एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आपसे पहले से ही कोई अकाउंट है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन कर जाएगा। हम बोलेगा कि आप अपना ईमेल आईडी डालो, नेक्स्ट करो, वहाँ पर पासवर्ड डालो, नेक्स्ट करो, लॉगिन कर जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। या फिर अगर आप गूगल का कोई अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट करिए, गूगल का अकाउंट क्रिएट करिए और फिर उससे लॉगिन करिए। अलग अलग तरीके हैं लॉगिन करने के। जैसे ही लॉगिन कर जाएंगे तो आपका ये इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे आप सही से इन्फॉर्मेशन डालेंगे लॉगिन करते टाइम या साइनअप करते टाइम, ताकि कोई वेरिफिकेशन का कोई कोड आता है आपके मोबाइल नंबर पर या फिर व्हाट्सएप पर भी आता है, तो व्हाट्सएप पर वेरिफिकेशन कोड आता है तो आप उसको वेरीफाई कर सकें। तो इसलिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे करेक्ट डालेंगे। फिर जैसे ही आप ओपन करके चैट जीपीटी के इन्वायरमेंट में आते हैं तो आपको ये इनका वेलकम पेज दिखेगा। यहाँ पर समझाया हुआ है कि किस किस तरीके से इससे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि अगर आप 10 वर्ष के हैं तो आपका बर्थडे मनाने के क्रिएटिव आइडियाज इससे पूछ सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैसे तरीके से बात करें, टेक्निकल बात करना है तो जीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में कैसे हम बात करें, कैसे ये क्वेश्चन देता है, सब कुछ आप इससे पूछ सकते हैं। हालांकि इन सब पर भी क्लिक करके मैं आपको आगे बताऊँगा। कैपेबिलिटीज इसका क्या क्या है इसके बारे में बताया हुआ है, लिमिटेशंस इसके क्या क्या हैं, क्या यह नहीं कर सकता उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको चैट स्टार्ट करना है तो देखिए, अगर पहला ही चैट है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से चैट करना शुरू करिए, या फिर पहले से चैटिंग कर रखे हैं तो आप न्यू चैट करके कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर सब कुछ डिलीट कर दिया, सारा कन्वर्सेशन जो हमने पहले से कर रखा था। अभी मैं चैट करूँगा तो सारा हिस्ट्री यहाँ पर दिखेगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप कोई इसका मोड चेंज करना चाहते हैं तो आप डार्क मोड में जा सकते हैं, मतलब इसका थीम चेंज हो जाएगा। अपडेट्स और एफएक्यू के बारे में जो भी जानना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके देखिए, इसके अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसके बारे में क्या अपडेट है, हर चीज़ दिया हुआ है। लॉगआउट कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाइट कलर है, आई कैचिंग नहीं है, तो दूसरे थीम में जाकर आप इसको मतलब ब्लैक कलर में, डार्क कलर में आ जाएगा, उस पर चैट करके आप बात कर सकते हैं। इसको मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चैट स्टार्ट करता हूँ। सपोज करिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मैं एज ए स्टूडेंट इससे अगर सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं एज ए फ्रेंडली इससे पूछता हूँ। जैसे मैं पूछता हूँ हाय, जैसे हम देखिए इससे उस तरीके से बिहेव करना है जैसे कि मैं एक अपने फ्रेंड से बात करूँ, मतलब कि एक इंसान से बात करूँ। सोचिए, एक कंप्यूटर एक इंसान की तरह आपसे बात करेगा और आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर मैं इसे बोलता हूँ हाय, तो जैसे मेरा एक फ्रेंड होता है जो वो भी बोलता है हेलो क्या बात है, वो भी पूछेगा, ये भी बोलेगा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो आप इसे बोलेंगे आई हैव ए प्रॉब्लम, कुछ भी अपने से दोस्त से बात करते हो उस तरीके से बात करिए। देखिए ये बोल रहा है कि सॉरी टू हियर डैट, मतलब कि होता है ना, मैं किसी से बोलता हूँ कि अरे यार मुझे एक प्रॉब्लम, तो बोलते क्या हो गया बात, सुनकर बहुत बुरा लगा। उस तरीके से ये आपसे इंसानी भाषा में बात करेगा, बोले कैसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपको कोई सोल्यूशन मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर स्टूडेंट हैं तो आप किस तरीके से, मान लीजिए कि मुझे महात्मा गांधी के बारे में 500 वर्ड में बात करना है, इससे लिख कर देना, अपने स्कूल में सबमिट करना है, तो मैं इससे लिखवा सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं बोलता हूँ कि राइट ए एसे ऑन, चलिए महात्मा गांधी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, मैं रिपब्लिक डे के बारे में बात कर लेता हूँ, डे ऑफ इंडिया, इन 500 वर्ड्स। देखिए अभी लिखना शुरू कर दिया इसने। अब देखिए, जितने वर्ड में आपने बोला था उतने ही वर्ड में आपको लिख कर दे देगा। यही सब डिफरेंस है। अगर आप यही चीज़ गूगल से बात करते हैं, अभी मैं इसको बात करने दीजिए, बताता हूँ मैं कि अगर यही चीज़ मैं गूगल से बात करता हूँ, गूगल से पूछता हूँ, तो गूगल क्या करता है। जैसे मान लीजिए अभी इसको राइट करने दीजिए, मैं यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने गूगल ओपन किया, क्या डिफरेंट है गूगल और चैट जीपीटी में। अगर मैं यही वही चीज़ लिखता हूँ, राइट एसे ऑन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, इंडिया इन 500 वर्ड्स,
इंटरहिट करिए। अब देखिए बहुत सारे लिंक आ गए आपके पास, अब इसमें से ढूंढते रहिए, ढूंढ ढूंढ के निकालिए। ये आपको डायरेक्टली सब कुछ लिख के बता रहा है, ऐसा नहीं है कहीं से आपको ब्लॉग का साइट दे लिख लिख के आपको दे रहा है कि आप इसको लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तक सही है तो सही है, अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होना चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि रीजनरेट करो, ये तुरंत फिर से इसको आपका लिखना शुरू कर देगा, फिर से वही चीज़ दोबारा लिखेगा और अलग तरीके से लिखकर आपको दिखाएगा कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं, जैसे स्टॉप करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि प्लीज एक्सप्लेन एज आई एम 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, मतलब कि बहुत ही नॉर्मल इजी लैंग्वेज में इसको समझाओ, मैं 15 साल का एक बच्चा हूँ, मुझे समझ में आना चाहिए, इससे बोलिए। अब बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको यस बोला, यस श्योर नो प्रॉब्लम, हियर ए सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द एसे, ठीक है। हालांकि मैंने ऐसे का स्पेलिंग मिस्टेक किया था, फिर भी देखिए वो ऐसे लिख रख बता रहा है, तो मतलब कि आपके बात को भी समझता है कि आप इससे क्या कहने वाले हैं। हालांकि देखिए ये भी मैं बताऊंगा आपको कि हिंदी में भी इससे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में ही बताएगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको लिख कर यह बताने लगा। अगर आप इसको लिख रहे हैं 500 वर्ड, आप बोलते हैं कि 200 वर्ड्स मोर लिखो तो और भी 200 मोर लिख देगा। आप इस जिस तरीके से बात करना चाहते हैं उस तरीके से इससे आप बात कर सकते हैं चैट जीपीटी से। देखिए लिख रहा है, अब अगर मान लेना चाहते हैं कि बोल सकते हैं कि 100 वर्ड्स मोर, 100 मोर और भी 100 वर्ड्स चाहिए, तो फिर से 100 वर्ड इसके बारे में लिखना शुरू कर देगा। बिल्कुल दोस्त की तरह, बिल्कुल टीचर की तरह आपसे बिहेव करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस तरीके से आप इससे बात कर सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए आपके पास मैथ का कोई प्रॉब्लम है, इससे पूछिए, मैथ का फॉर्मूला पूछिए, कुछ ही पूछिए, मैथ का कोई प्रॉब्लम है उससे पूछिए, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताएगा। जैसे मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, अब लिखता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में पूछता हूँ, देखिए इसको सॉल्व करके बताएगा कि प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है यूजिंग फार्मूला। देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वी गेट, पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएगा कि ये किस तरीके से निकल के आया। हर चीज़ आपको ये दे सकता है, कोई फार्मूला हो, मैथ हो या कैलकुलेशन हो, सब कुछ इससे पूछ सकते हैं और ये आपको बिल्कुल ही एक इंसानी भाषा में एक दोस्त की तरह, एक टीचर की तरह आपको समझाएगा। देखिए अब ये तो हुआ आप एज ए स्टूडेंट इससे बात कर लिए, अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं इससे पूछना, जैसे कि मुझे कुछ चाय बनाना है, मुझे नहीं आता, पूछना चाहता हूँ कि चाय कैसे बनाऊँ, तो पूछिए इससे आई वांट, चलिए मैं इसके लिए नया चैट स्टार्ट करता हूँ, किसी भी तरीके का चैट करिए इससे, आई वांट टू मेक टी। अब टी बनाने के बारे में बताएगा कि कैसे टी, आप श्योर आई कैन हेल्प यू मेक टी, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, देखिए चूज योर टी, डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टी यू वांट टू मेक, ठीक है, आप इसके रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं, हर चीज़ के इसके बारे में पूछ सकते हैं। देखिए इसको बताने दीजिए, अब उसके बाद आप देखिए सब कुछ बता रहा है, पोर हॉट वाटर, ये बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप बता रहा है, ये पढ़ पढ़ के आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, देखिए सब कुछ बता रहा है, हर चीज़ आपको समझा देगा बिल्कुल इंसानी भाषा में, ठीक है, बोल रहा है कि बन गया, सिट बैक रिलैक्स एंड एन्जॉय द टी, ठीक है। अगर आप इसके रेसिपी के बारे में पूछना चाहते हैं, इजी रेसिपी, तो इजी रेसिपी के बारे में बताएगा, देखिए क्या क्या चाहिए इसको, एक टी बैग चाहिए, कप ऑफ वाटर चाहिए, हनी शुगर और मिल्क चाहिए, इंस्ट्रक्शन है बॉयल वन कप ऑफ वाटर, हर चीज़ बिल्कुल ही ईजी तरीके से बताएगा। अभी इतना अच्छा हो गया, देखिए ये काम कैसे कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है, ये काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं ब्लॉग में लिखा वहाँ से आपको ला कर, नहीं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, AI का एग्जाम्पल है, एक मशीन है जिसको पहले से ट्रेनिंग दिया हुआ है और वही मतलब उसको इतना सब कुछ सिखाया हुआ है,
ठीक है, जो ह्यूमन से उन इंस्ट्रक्शन को लेता है और आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। मतलब ये मशीन आपसे बात कर रहा है, कोई उस साइड कोई इंसान नहीं बैठा है कि आप जो पूछेंगे वो आपको बताएगा, नहीं। एक मशीन आपके क्वेश्चन को समझ रहा है और आपके आंसर को बता रहा है, जिस तरीके का आंसर चाहिए उस तरीके का आंसर आपको समझाएगा। आप बोल दीजिए कि ये मैं समझने में दिक्कत आ रहा है, दूसरे तरीके से समझाएगा बिल्कुल इंसान की तरह। तो एक मशीन से आप बात कर रहे हैं, कितना इजी कर दिया लाइफ को आप सोच सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी होने वाला है, और या फिर चलिए मैं एक और पूछ लेता हूँ इससे खाना बनाने के बारे में ही, कि वांट टू मेक पोटैटो चिप्स, पूछिए, हर चीज़ आपको बताएगा। देखिए, श्योर आई कैन हेल्प यू, पोटैटो चिप्स, टू लार्ज पोटैटो, टू टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, सॉल्ट ऑप्शनल, मैं आप क्या ले सकते हैं, हर चीज़ आपको बताएगा। चलिए स्टॉप करते हैं, दूसरा चीज़ पूछते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि, अब देखिए मैं हिंदी में बात करके इसे देखता हूँ, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में ही बात करेंगे तो इंग्लिश में ही आप बात कर सकते, नहीं, हिंदी में बात करिए, बोलिए कि मेरा शादी होने वाला है, मैं एक 21 इयर्स ओल्ड बॉय हूँ, न्यू दिल्ली में रहता हूँ, शॉपिंग कहाँ से करूँ। देखिए इंटरेक्ट करिए, अब आपको बताएगा डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ से जाकर शॉपिंग कर सकते हैं और क्या क्या ले सकते हैं। न्यू दिल्ली में आप कहाँ से, कंग्रेचुलेशन ऑन योर अपकमिंग वेडिंग, ये सब कुछ देखिए। जैसे कैसे आप किसी दोस्त को बताते हैं तो दोस्त आपको कंग्रेचुलेशन करता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, मैं बोलता हूँ कि यार मैं दिल्ली में हूँ, बताओ ना, पहले तुम दिल्ली में रहते थे, अब मुझे शॉपिंग करने में शादी ठीक हो गया है, तो दोस्त पहले क्या बोला, अरे यार कंग्रेचुलेशन, बधाई हो बधाई हो, चलो जाओ यहाँ पर करोल बाग से कर लो, चांदनी चौक से कर लो। देखिए वही सब कुछ भी बता रहा है, ये आप चांदनी चौक जा सकते हैं, करोल बाग जा सकते हैं, साउथ एक्सटेंशन जा सकते हैं, ठीक है, लाजपत नगर जा सकते हैं, और सबके बारे में डिटेल्स बता रहा है, कैसे जाएंगे, कहाँ पर कौन सा दुकान है, कहाँ से क्या मिल सकता है, सिलेक्ट सिटी वॉक, ठीक है, हर जगह का ऑप्शन, मतलब जो फेमस एरिया है उसके बारे में बता रहा है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं नियर अबाउट साउथ ईस्ट हूँ, तो साउथ ईस्ट के अगल बगल के बारे में जो इतने मॉल्स हैं आपको बता देगा, हर चीज़ आपको ये बता सकता है। जैसे मान लीजिए स्टॉप करिए, और मैं बोलता हूँ कि टॉप मॉल्स इन साउथ एक्स न्यू दिल्ली, इंटरेक्ट करिए, साउथ एक्स में जो नए नए टॉप मॉल्स हैं उसके बारे में आपको बता देगा, साउथ एक्स में कौन कौन सा, साउथ एक्स पार्ट वन, साउथ एक्स पार्ट टू, जो न्यू दिल्ली में साउथ एक्स एक एरिया है, जगह है जहाँ पर बहुत ही कॉस्टली एरिया है, आप बोल सकते हैं, एक हट हट ऑफ न्यू दिल्ली इसको बोला जाता है, लाजपत नगर के बगल में है, ठीक है, उस वहाँ के बारे में मैंने पूछा, ठीक है, यहाँ पर आसपास में कौन कौन से मॉल हैं उसके बारे में। देखिए बोल रहे हैं कि डीएलएफ मॉल जा सकते हैं, या फिर सिटी वॉक में जा सकते हैं, द स्क्वायर में जा सकते हैं, डीएलएफ प्लेस साकेत जा सकते हैं, बगल में साकेत है वहाँ भी जा सकते हैं। तो सब कुछ आपको गाइड करेगा एक दोस्त की तरह, एक इंसान की तरह। देखिए ये तो हो गया आपका एक स्टूडेंट की तरह, एक इमोशनल, एक हाउसवाइफ, इस तरीके से आपने बात की। अगर टेक्निकल बात इससे हम करते हैं, अगर टेक्निकल कहने का मतलब कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कोडिंग करने में, टेक्निकल बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो कैसे बात करूँगा, ये भी देखिए नया चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि हाउ टू मेक ए वेबसाइट इन रिएक्ट जेएस, इंटरेक्ट करिए, रिएक्ट जेएस में मुझे एक वेबसाइट बनाना था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि रिएक्ट जेएस में वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या इंस्टॉल करना होगा, कैसे। देखिए इंस्टॉलेशन बताने लगा, इंस्टॉल नोड जेएस एन एन पी एम, इंस्टॉल ए कोड एडिटर सच एज विजुअल स्टूडियो कोड, जो हम लोग यूट्यूब पर अपने वीडियो डाल रखा हमने, वो सब कुछ इस तरीके से बता रखा है कि नोड जेएस इंस्टॉल करिए, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करिए, सब कुछ उसी तरीके से बता रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग वीडियो पर हम बताते हैं, कोई इंसान आपको पढ़ाता है, कोई टीचर आपको पढ़ाता है, हर चीज़ स्टेप बाई स्टेप बता दिया। सोचिए डेवलपर का लाइफ तो और भी इजी कर दिया, कुछ भी आप फंसते हैं इसे जाकर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। देखिए अब इसको स्टॉप करते हैं, और भी कुछ चीज़ें उससे पूछते हैं, नहीं तो सब कुछ स्टेप बाई स्टेप बताएगा एक वेबसाइट बनाने तक का जर्नी। उसके बाद अगर मैं इससे पूछता हूँ कि चलिए मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ,
जैसे एपीआई इंटीग्रेट करना है एंगुलर एप्लीकेशन में, लिखता हूँ मैं हाउ टू इंटीग्रेट वेब एपीआई इन एंगुलर प्रोजेक्ट। अब देखिए एंगुलर प्रोजेक्ट में वेब एपीआई कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बहुत ही टॉप टास्क है, बहुत सारे डेवलपर इसमें फंसते हैं। अगर इससे पूछिएगा तो एक सिंपलेस्ट वे आपको बताएगा ये कैसे करिएगा। देखिए जहाँ पर इसको कोड लिखने का जरूरत पड़ेगा वहाँ पर कोड लिख कर भी आपको बताएगा कैसे कोड लिखते हैं और कहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगा हर चीज़ बताएगा। देखिए यहाँ पर कॉल एपीआई, उसके बाद डिलीट रिक्वेस्ट, एंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन, हर चीज़ आपको ये बता देगा, स्टेप बाई स्टेप। देखिए हर स्टेप का फॉलो करिए, उसके बाद क्रिएट, देखिए सर्विस कोड लिखना शुरू कर दिया इसने। ये कोड आप डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए कोड को और चलाइए, चल जाएगा। हर चीज का सॉल्यूशन है इसके पास, आप इससे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सामने आपके लिख रहा है, जैसे इंसान आपको लिख के बताता है उस तरीके से लिख के आपको बता रहा है। उसके बाद देखिए सब्सक्राइब करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर इसने बोला कि ऐप डॉट मॉड्यूल टी एस फाइल में क्लाइंट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो, यहाँ पर URL बनाओ, यहाँ पर गेट डेटा का नेम का मेथड बनाओ और यहाँ पर आप कंपोनेंट पर जाकर इसको कॉल कर लो, हर चीज़ आपको बता दिया। ये सारे कोड और कॉपी करके विजुअल स्टूडियो कोड में कॉपी पेस्ट करके चलाते हैं, तो इस तरीके से आप यूज भी कर सकते हैं कि कैसे हम इसको कॉल करेंगे। हर चीज़ ने बता दिया यहाँ पर कि किस तरीके डेटा को बाइंड कर सकते हैं, इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड करके दिखा भी दिया। सोचिए कितना आसान कर देता है। जैसे मान लीजिए मुझे HTTP मेथड्स के बारे में पूछना है, HTTP मेथड्स कौन कौन से हैं और कैसे कॉल करते हैं, तो सब कुछ आपको बताएगा HTTP मेथड्स क्या है, क्यों यूज करते हैं। देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये, इसे कौन कौन से मेथड्स है, गेट पोस्ट पुट डिलीट के बारे में बताएगा। देखिए गेट बताने लगा, पोस्ट पुट और डिलीट के बारे में भी बताएगा जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल एक्सप्लेन करके, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन आकर इससे पूछिए, ये आपका उस क्वेश्चन का आंसर 10 तरीके से बताएगा, जो इजी आपको लगता है आप उसको याद रखिए, अगले इंटरव्यू में उसको बताइए, कितना लाइफ इजी कर दिया। अगर आपको कोई कोड में एरर आता है उस एरर के बारे में इससे पूछिए, वो भी आपको बताएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है, और यहाँ पर सपोज करिए ये कोड है एंगुलर का, यहाँ पर मैंने एक मेथड को कॉल किया है या फिर मैंने एक वेरिएबल लिया है, देखिए एक वेरिएबल है, ठीक है, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, देखिए एरर आ गया, ठीक है। अब इस एरर को मैं प्रॉपर्टी ID इज बोल नॉट एग्जिस्ट ऑन द कंपोनेंट, इसी को मैंने कमेंट किया है, मुझे पता है कि एरर है, इसी को मैं इससे पूछता हूँ ChatGPT से। अगर आपको एरर कोई आता है और उस एरर के बारे में ChatGPT से बात करना है तो कैसे पूछेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इससे पूछिए, नया चैट स्टार्ट करिए और इस एरर को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर इंटर हिट करिए, आपको बताएगा कि किस तरह का एरर है ये। देखिए देखिए बोल रहा है कि इज बोल्ड नेम का प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन ए कंपोनेंट क्लास, से बताएगा कि इसको कहाँ पर नहीं होगा, उसको कैसे बना लीजिए तब आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोड लिखेगा, देखिए कि इज बोल्ड ऐसे बुलियन फर्स्ट टू लिख दीजिए जिस तरीके से हमने लिखा है, देखिए एग्जैक्ट उसी तरीके से आपको बताएगा। देखिए हमने यहाँ पर भी लिया है, सब कुछ वही बता रहा है, यहाँ पर लिया था ना इज बोल ट्रू, इसने फॉल्स बताया कि फॉल्स ट्रू कुछ भी रख सकते हैं और वही सब कुछ आपको यहाँ पर बता रहा है। देखिए सिंपलेस्ट वे में आपको बता दिया किस किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, मतलब कोई कोड भी फंसता है तो आप इससे पूछेंगे तो आपको ये गाइड जरूर करेगा, आपको ये जरूर बताएगा। अब रही बात कि और भी अलग अलग तरीके से क्या पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इससे पूछता हूँ कि वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे यूट्यूबर को दिक्कत आता है कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं उसके बारे में जानने के लिए, तो मैं देख पूछ लेता हूँ इससे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर यूट्यूब वीडियोज, ठीक है, अभी बता देगा यूट्यूब वीडियो को एडिट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। देखिए एडोब प्रीमियर प्रो जो हम लोग यूज करते हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर यूज करते हैं, फाइनल कटअप प्रो एक्स भी हम लोग यूज करते हैं, सब कुछ वही सब बता रहा है जो आप यूज करते हैं, और आपको इसमें कुछ नए भी दिखेंगे, आप उसको भी यूज कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इससे पूछिए, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ स्टेप बाई स्टेप समझाता है, ना कि आपको गूगल की तरह लिंक देता है आप वहाँ से जाकर ढूंढते रहिए, नहीं,
स्टेप बाई स्टेप समझाएगा। अगर आपको ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा तो रीजनरेट रिस्पॉन्स करिएगा, दूसरे तरीके से फिर से समझाएगा, अलग तरीके से और भी दूसरे दूसरा चीज़ बताएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल का टूल आया हुआ है मार्केट में, जिसको आप यूज करके अपना डेवलपमेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ही ईजी कर सकते हैं अपने लाइफ को। ठीक है, तो अब बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में कुछ और भी। जैसे मान लीजिए इसको स्टॉप कर देता हूँ, इनका ये वेबसाइट है, इनके रिसर्च के बारे में जानना है तो यहाँ पर जाइए, रिसर्च के बारे में आपको कुछ इन्होंने बता रहा है कैसे कैसे हम क्या किए हैं। ठीक है, अगर आप इनका API इंपोर्ट करके इंटीग्रेट करके अपना कोई ऐप वगैरह बनाना चाहते हैं तो कैसे बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन ऐप विद OpenAI पावरफुल मॉडल्स, गेट स्टार्टेड, क्या क्या करना चाहिए, डेवलपर कैन नाउ बिगिन बिल्डिंग ऐप विद द डेल API। ठीक है, सब कुछ API इन्होंने दिया हुआ है, OpenAI का API है। अगर जो API आपको सेटेबल बैठता है किसी काम के लिए तो आप यहाँ का API इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे WhatsApp कैसे देता है API, Facebook कैसे API देता है, जैसे कोई भी फेमस सॉफ्टवेयर तो अपना API देता है SMS के लिए, चैट करने के लिए, उसी तरीके से आप इनका भी API लेकर अपने ऐप में यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए चैट GPT भी एक चैट बोट ही है। ठीक है, उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लगा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट लगा हुआ है, जो अपने नॉलेज के आधार पर सब कुछ आपको बता रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई बस वेबसाइट से कहीं से ब्लॉग से उठाकर दे रहा, जिस तरीके से गूगल था, नहीं, ये एक मशीन आपसे बात कर रहा है। तो उस तरीके के कंसेप्ट के लिए और भी बहुत सारे इनके अपने, जैसे देखिए अबाउट में जाएंगे तो बहुत सारे इनके अपने और भी, जैसे Dell E2 है, OpenAI कोडेक्स है, बहुत सारे ऐसे और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उनका API वगैरह भी ये प्रोवाइड करते हैं, उसको भी यूज करके अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। ज़्यादा के लिए आप यहाँ पर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चैट GPT कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या इसमें है। इसमें थोड़ा सा और भी बताते चलूँ कि हो सकता है आने वाले समय में ये चैट GPT और भी एक्सटेंड हो सकता है कि बोल बोल कर बताने लगे, अभी लिख लिख के बता रहे, हो सकता है बोल बोल कर बताने लगे तो और भी लाइफ इजी हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आगे आने, अभी फ्री है बिल्कुल, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये पेड कर दिया जाए, जिसका पैसा लगने लगे। हालांकि पेड भी होगा तभी बहुत सारे यूजर यूज करेंगे इसको, क्योंकि यह कमाल का टूल है। बहुत सारा कंसेप्ट आप जो गूगल पर ढूंढते रहते हैं आपको बता देगा इजीस्ट वे में। हो सकता है कि फ्री भी रखा जाए, किसी दूसरे ऐप के साथ इंटीग्रेट करके आपको फ्री में दे, जैसे गूगल है, गूगल असिस्टेंट है, एप्पल का श्री है, जैसे एलेक्सा है, उस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर में आप इंटीग्रेट करके भी दिया जा सकता है, हो सकता है। ठीक है, देखिए ये इतना पावरफुल टूल है कि महज 5 दिन में इसने 1,000,000 यूजर ऐड कर लिए थे। अब तो इसकी बहुत सारे यूजर हो गए हैं। ठीक है, पहले 5 दिन में ही 1,000,000 यूजर ऐड कर लिए थे इसने, जिसको ऐड करने में फेसबुक को 10 महीने लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे, जो कि फेसबुक का ही है, तो फेसबुक का बहुत सारे यूजर इंस्टाग्राम में थे, फिर भी 2.5 महीने लग गया था। नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगा था। आइए सोचिए, सॉफ्टवेयर महज 5 दिन में 1,000,000 यूजर ऐड कर लिए थे, सोचिए कितना कमाल का टूल है। तो इसको यूज करिए, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए वीडियो को, एक एक लाइक आपका हमारा मनोबल बढ़ाता है और आपके लिए हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।